सो रहे हो? बहुत सड़े हुए लग रहे हो। तो मैं और राजू ऊपर आ रहे थे, तो लिफ्ट क्या है हमारी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मैं ऊपर आ रही थी लिफ्ट में, तो मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। किसने मुझे आवाज दी थी? मुझे तोन बुलाला था, आपने आवाज दी थी मुझे, क्या बोला था? सो रहे हो? आंखें तो आपकी खुली हुई है। चलो ठीक, मैं जाती हूँ, आप सो रहे हो तो। बाबू कितना उससे बोल रहे, क्यों नहीं बुलाओ? मैं ना एक फेस वॉश मंगवाया था, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा जो बेबी वाला आता है ना वो मंगवाया था, बेबी जॉनसन का। को लगा वो फॉर्मिंग वाला जो आता है बच्चों का, को लगा कि मेरे लिए मम्मा ने छोटा सा मंगवाया था। कह रहे मम्मा थैंक यू। मैं जा रही फिर, ठीक है, ओके ओके, जा रही हूँ। हटो हटो हटो, नहीं पहनोगे? जा रही मैं जा रही अच्छा। आपका दोस्त चोर है क्या? नहीं नहीं। फिर याद हो गया उसको सारा। तो गाइस ये वाली मैंने इसको इंस्टा वीडियो बनाई थी और इसको पूरा याद हो गया। राजा राजा आप इंटेलिजेंट हो क्या? इतने इंटेलिजेंट हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्यारा हूँ। मैं तो बहुत प्यारा हूँ इसको, यही हो? ठीक है ठीक है। हमारी ही चिन्नी यूज करी जा रही है बॉम्बे के अंदर, आप लोग देख सकते हो। प्राउड मोमेंट है भाई, प्राउड मोमेंट है। बहुत सड़े हुए लग रहे हो। प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ये आपने सर राजा वजीर चोर सी भाई नीचे गिरा दिए। बेटू चलो, माँ डैडा आपके लिए बुला रहे हैं, बोर्ड बोर्ड ये इसके लिए वो भी लेके आऊंगा, चौक वगैरह जिससे बोर्ड पे लिखे वैसे ना लिख पाए। हाँ ड्रॉइंग को बोर्ड लेके आता हूँ। अच्छा था, चलो अभी मैं स्टेशनरी पे आया था कुछ सामान लेने के लिए, एकदम से याद आया मुझे कि टुडे इज रोज डे, तो अभी रोज लेंगे। अच्छा था राजा, सॉरी बेटा फ्रूटी तो नहीं है, मैं डैडा को बोलूंगी ले आएंगे, ठीक है? दादा तू नहीं बोलो। हाँ मैं टेबल टुल्लूरा ले आना। क्या करोगे? टेबल से ले आना। क्या करोगे आप? फिर तो छोटे स्टोर डाल देना। स्टोर तो तब डालूंगी जब है ही नहीं। एक्चुअली इसको पता है कि किचन में है, तो कह रहा डैडा को मत बोलो आप, आंखें बंद करूंगा मैं, आप ले आना। है ही नहीं राजा, चलो खिचड़ी खाओ। चलो चलो चलो, अब ये कौन खाएगा? मेरा बेटा। मैं दूंगी फिर, खिचड़ी फिनिश करोगे फिर दूंगी पक्का, प्रॉमिस। 3, 2, 1 जादू दिखाऊं? आइस क्लोज करो। ये क्या है? पहले एक सिप लो, अब छोड़ो, अब पहले खिचड़ी। ओके बाइट कौन खाएगा? जल्दी चबा चबा के खाना, ठीक है? तो गाइज अभी मैं ऊपर आ गई थी, राजा ऊपर आ गया था, मम्मा घर पे हैं, तो वो लोग गए थे राजा के लिए बोर्ड लेने। तो मैंने एक प्लान बनाया है, अभी मैंने मंच को मैसेज किया था कि मंच मुझे बता कितने टाइम में आ रहा है, एक प्रैंक प्लान कर रहे हो तुम लोग, उधर से शूट कर लेना। लेकिन मंच का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं ऐसा प्रैंक करूंगी कि जब तुम लोग गए थे मैं उनको बताऊंगी। तो मैं और राजा ऊपर आ रहे थे, तो लिफ्ट क्या है हमारी बहुत जल्दी बंद हो जाती है, मैं कहूंगी मैं निकल गई थी, राजा अंदर आएगा, लिफ्ट बंद होगी, जब बंद होते लिफ्ट एकदम नीचे चली जाती है, किसी और फ्लोर पे खुल गई और दूसरी लिफ्ट बहुत लेट आई, वो मुश्किल से राजा मुझे मिला, मैं बहुत डर गई थी, ऐसा कुछ करूंगी, है ना? ठीक है, तो ऐसा प्रैंक करने वाली हूँ, और मैं उनसे पहले ही कैमरा घर पे लगा दूंगी। पहले मैं मन से बात करती हूँ, मैसेज पे देखती हूँ वो लोग कब आ रहे हैं, उसी हिसाब से कर, ठीक है मम्मी? तुझे मेरे प्लान चाहिए ना? वैसे मैंने प्लान कुछ और करा था, पर मम्मी मान नहीं रही। मम्मी कह रही मैंने नहीं अब करना करना प्रैंक, बड़ी मुश्किल एक बार किया मैंने, अब नहीं करना, उसको शक हो जाएगा। सामान ले चुके हम लोग राजा के लिए, अभी चलते हैं लेके, अभी हम रोज लेने जा रहे हैं गाइस, और देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। कुछ रोज लेके छुपा लूंगा पहले मैं, ऐसा उसको फूल वूल से ज्यादा प्यार नहीं है, पता लगे मैं बहुत एफर्ट लगा के लेके भी जाऊँ, और वो एकदम। और आपको ये कहता है फूल, यू आर अ फूल। जोक्स सिंगल।
गाइज मैंने खुशी के लिए रोज ले लिया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि घर जाके खुशी को सरप्राइज करूंगा। सो गाइज ऑल सेट, अभी मेरे पास मंच की लाइव लोकेशन आ चुकी है, वो लोग आई थिंक 5 to 7 मिनट्स में आ जाएंगे। मैं लगाऊंगी यहाँ कहीं छुपा के फोन, मतलब यहाँ कॉर्नर पे घुसा दूंगी जिससे कि वहां का पूरा व्यू देखे और मैं खुद वही कहीं बैठ जाऊंगी। ओ माय गॉड, मुझे बहुत हंसी आ रही है लेकिन मुझे रोना है। सो मम्मी को एक फोन आ गया था जरूरी बाहर से, तो मैंने उनको अंदर बंद कर दिया। मैं कहा आपके चक्कर में मेरी हंसी आ जाएगी, आप एक काम करो अब अंदर ही जाओ। राजा आप मेरी बात सुनो, भागना नहीं, यहाँ आओ यहाँ। अब हमें छुपना क्यों है, हमें वही बैठना, हम रोने वाली एक्टिंग करेंगे ठीक है। आप कैसे करोगे रोने वाली एक्टिंग? तो गाइज मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने थोड़ा मेकअप भी लाइट लाइट सा कर लिया है। और रास्ते में हम बात करते आ रहे तो मुझे भाई कह रही कि शायद भाभी मजाक करेगी आपके साथ भी जाते ही। राजा और ये फिर था राजा को बताएंगे हम प्रैंक कर रहे हैं। राजा टेरा को बताओ। दा?
भाई ये तो भाई अरे नहीं अब सच बता दे राजा झूठ क्यों बोल रहे हो इसको चार घंटे पाठ पढ़ाया वही बोल गया राजा कसम लगे आपके साथ मम्मी को भी बोले हमने बैठे बैठे मैंने इसको मैसेज करा मेरे को प्रैंक करें कह रहा चल चल करते हैं फिर मैंने फटाफट शॉट लिया मम्मी को बताया और मम्मी को एकदम फोन आ गया मम्मी भाग्य में इसको कह रही लाइव लोकेशन दे रही मैं लाइव लोकेशन भेज रहा और मैं कैमरा सेट करूं वो सामने तो कैमरा लगाया था मैंने तो किसका भी पता जाए मैंने आके नहीं मैं मेरा ये था इसको देख के मेरी हंसी आने को भी मेरे नीचे मुंह कर ली और एक बार मेरा हस्बैंड कॉल करा थी देखो मैं जल्दी आ रही कोई दिक्कत होगी है आके बताती हूँ तो एकदम से ने बोला यार ऋषिद भैया बोल रहे कभी भाभी प्रैंक तो नहीं कर रही मैंने कहा कोई बात नहीं जबरदस्त एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रोए भी ना आप लोग समझते नहीं हम रो रहे हैं तो आगे मुझे कह रहा मम्मा चुप हो जाओ मैं उठा आपके बाद कोई भी झूठ बोलेगा मगर आप अगर राजा बोले तो एकदम जा रहा कि मैं बटन दबा मैं बंद हो गया था मैं वहां चला गया रेटर लगा रखी है मुझे लगा विवेक आएंगे मुझे डांटे वांटेंगे थोड़ा ऐसा तो मैं उस चीज के लिए तैयार होकर बैठी थी आगे कह रही कोई बात नहीं गलती हो जाती ऐसी चीज जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि कभी भी ऐसी है, थोड़ी सी हो जाना लड़कियों से गलती तो एकदम से जब इसने बोला मैं क्या हम इसकी मजाक नहीं लेते लिफ्ट पर हमेशा इसका माथा मुथा लगवा ले लिफ्ट में अपना हमेशा घुसती हुई तो इसने एकदम जब ऐसी बात की तो मुझे लगा पक्का सनाज भसड़ कर दी जब रोई मुझे लगा पाक मेरी एक्टिंग ऐसी लगी लेकिन पता क्या मम्मी को भी मिलाया था मैंने पहले कोई और प्रैंक करना था मम्मी मान नहीं रही मुझे था कि राजा मतलब एकदम जैसे कल वो भसड़ हुई थी तो मुझे ऐसा था मैं एक्चुअल में दिमाग रहता है ना आपका एक तरफ आप फोकस रखते हो कि चलो लेकिन आज जो भसड़ हुई थी एकदम तुम भी देख ही रहे थे भाई सामने से थैंक यू मैं रोज डे भूल गई थी और रोज डे मेरी तरफ से भी हैप्पी रोज डे थैंक यू मतलब बाबू माँ की कसम हम रास्ते में क्या सोच रहे थे घुटने में बैठ कर रोज दूंगा आपसे पूछूंगा बाबू मैं शादी के बाद अब कह दे रहा हूँ आपको बाबू कैसा फील हो रहा है मेरा प्यार अभी भी जिंदा है रोकी का प्यार अभी भी जिंदा है बाबू भैया आपने नहीं रोज दिया किसी को और भाई ने रोज दिया भाई ने तो कहा मुझे हाय मेरे बच्चा इतना सामान लाया रोज लाया मेरे दिमाग में जाती है मैनू ऐसा सी मैं गुलाब लेके आया वाला मैं खुशी नु देना रोज डे है अज ते जदों मैं अंदर घुसा ए रोती रुंदी भी सामने मैं एकदम रख के गुलाबी इसने नु कहा ना मम्मी मैं डाडा मैं फंस गया था मैं लिफ्ट में फंस गया था मैं क्यों कितना गंदा आदमी बताओ यार जो चीज हुई भी नहीं उसे भी कहा मैं फंस गया राजा हम भुआ के पास आपको कैसे पता ये भुआ का घर है आपको पता है हमने भी पता है वाओ ये सब बहुत पता सब कुछ पता है आपको हाँ, मेरी जान आपने ये डायलॉग कहाँ से सीख लिया और मेरी जान ये तो बहुत ज्यादा है तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दी के पास क्योंकि काफी आ गए हैं जा रहे हैं कहीं फ्लाइट में बैठी हो आप यार मैं तो ऐसे टोक देता हूँ बातों बातों में हाँ मेरी जान दोनों के पास क्या लेके आए हो क्या दिया भुआ ने आपको छुपा दी क्या था अगर चॉकलेट हुई मैं छीन लूंगी क्या है बताओ खाली वो आप किसका प्यार करते हो कि मेरा कि मम्मा का मैं राजू का प्यार गाइस हम लोग आपको लाइव अभी देने वाले हैं डेमो और इसमें की राजा भी हमारे साथ देने वाला है तो 3 2 1 राजा की आवाज सब गौर से सुनना सब गौर से सुनना मेरी दुनिया तुम ही हो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर पे और खुशी बना रही है प्यारा प्यारा खाना जल्दी जल्दी रोटी बना दो बुग्गा और खा के फिर यार आराम करेंगे जल्दी बुग्गा मेरे साथ खाओगी ना हाँ पक्का जल्दी जल्दी बना दो साथ खाएंगे थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग लेकिन फिर भी हम 1-1.5 बजे सो जाएंगे सो जाएंगे